दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि WhatsApp पर वॉइस मैसेज कैसे भेजते हैं। दोस्तों अगर आप मैसेज को कैंसिल करना चाहते हैं तो इस काम को आप कैसे कर पाएंगे, अगर आपको बड़ा मैसेज अगर आपको सेंड करना हो तो इसके लिए आप क्या आसान टिप्स अपनाएंगे, पूरी जानकारी इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में जो WhatsApp का एप्लीकेशन है इसको आपको ओपन कर लेना है। तो चलिए मैं यहाँ पर WhatsApp ओपन कर लेता हूँ। इसके बाद आप कोई एक WhatsApp ग्रुप को सेलेक्ट कर लेंगे। तो चलिए मैं यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे जो यहाँ पे मैं एक WhatsApp ग्रुप को सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं बॉटम साइड में यहाँ पे जो स्पीकर बना हुआ है, माइक्रोफोन बना है। अगर आपको वॉइस मैसेज भेजना है तो आपको सबसे पहले इस स्पीकर को दबाए रखना है। दबाए रखने को मतलब टैप किए रखना है और आप जो भी कुछ बोलेंगे तो वो रिकॉर्ड होता जाएगा। जैसे आप जो है आप देख पा रहे हैं स्पीकर को आप दबाएं, जैसे इसको दबाना छोड़ देंगे तो मैसेज ऑटोमेटिक जो है सेंड हो जाएगा। तो देख पा रहे हैं मैसेज सेंड हो चुका है। चलिए अब जानते हैं कि अगर आप जो है वॉइस रिकॉर्ड कर रहे हैं अगर उसको आपको कैंसिल करना है तो इस काम को आप कैसे कर पाएंगे। तो यहाँ पर एक बार पुनः आप देख पा रहे हैं जो माइक्रोफोन का यहाँ पर आइकन बना है, जैसे इस पर हम प्रेस रखेंगे तो रिकॉर्डिंग हमारा चालू है। अगर हम चाहते हैं कि ये जो है मैसेज ना जाए, ना ग्रुप में जाए, इसको कैंसिल करना चाहते हैं तो आपको इसको लेफ्ट साइड में ऐसे आपको स्लाइड करना है। तो देख पा रहे हैं यहाँ पे मैसेज हमारा जो वॉइस रिकॉर्डिंग था वो कैंसिल हो चुका है। दोस्तों अब बात करते हैं कि अगर आपको बहुत बड़ा जो है रिकॉर्डिंग करके अगर आपको सेंड करना हो तो इसके लिए आप क्या टिप्स अपनाएँगे। तो यहाँ पर जो ये स्पीकर है इसको आपको दबाए रखना है और इसको लॉक करने के लिए कि मतलब आपको दबाना ना पड़े और रिकॉर्डिंग चलता रहे, इसके लिए आपको इसको आप देख पा रहे हैं स्पीकर को दबा के ऊपर के साइड में ले जाएंगे। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे और रिकॉर्डिंग हमारा कंटिन्यू है, हमको यहाँ पे टैप करके रखने की ज़रूरत नहीं है, हमारा रिकॉर्डिंग चल रहा है। हमको अगर ज़्यादा रिकॉर्डिंग करनी है तो इस टिप्स को अपना सकते हैं। और जब रिकॉर्डिंग हमारा पूरा हो जाए तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे जो ये आइकन है, जैसे इस पर हम क्लिक करेंगे तो ये मैसेज हमारा सेंड हो जाएगा। तो दोस्तों क्या ये टिप्स आप जानते थे, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको बढ़िया लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक थैंक यू, हैव ए नाइस डे।